आज हम बनाने जा रहे हैं किंग ऑफ नाश्ता यानी बीफ पाई, जिसको बनाना बेहद आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनने वाली रेसिपी है। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी जल्दी कर लें सब्सक्राइब। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। बीफ का पाया लिया है और साथ में ये नली वाली बूटी ली है, ये हमने इसमें ऐड कर देनी है। सबसे पहले ये एक गिलास पानी। बीफ के पाए बनाना बेहद आसान है और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको गाइड करूंगी, तो आपने मेरे वीडियो को गौर से फॉलो करना है, ठीक है व्यूअर्स। मैंने 3 अदद प्याज लिए थे और इनको रफली चॉप कर लिया हुआ है। 2 चम्मच भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। मसालों में इसके अंदर जाएगा 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक, अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं, 0.5 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 0.5 चम्मच जीरा पाउडर ग्राइंड किया हुआ, और साबुत मसालों में 3 से 4 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े, 3 से 4 लौंग और 1 चक्री फूल या बादियान का फूल भी इसको कहते हैं। ये हम तमाम मसाले इसमें ऐड कर देंगे। अब हमने ये करना है कि इसको 5 मिनट के लिए हम प्रेशर लगाएंगे, ताकि ये हमारा जो मसाला है या प्याज है ये तमाम अच्छी तरह घुल जाए और इसकी भुनाई हो सके। जैसे ही इसमें बॉयल आएगा उसके बाद हम इसमें 5 मिनट के लिए प्रेशर लगा देंगे। बॉयल आना शुरू हो चुका है, अब हम इस स्टेज पे इसको 5 मिनट के लिए प्रेशर लगाएंगे। व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं पानी हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है और साथ में हमारे जो प्याज थे वो भी गल चुके हुए हैं। तो अब हमने करना ये है कि हमने लेना है टमाटर, ये मैंने फ्रीज किए हुए टमाटर हैं और इनकी मैंने प्यूरी तैयार कर ली है, ये हम ऐड करेंगे। इस प्यूरी बनाने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और साथ ही हम इस पे ऐड करेंगे ऑयल, 1 कप भर कर हमने ऑयल ऐड करना है, ये छोटे कप है, 1/2 कप मैंने 2 ऐड किए हैं, ठीक है व्यूअर्स। और इन तमाम मसालों को हमें अच्छी तरह इनकी भुनाई करनी है, इससे ये होगा कि प्याज भी हमारे अच्छी तरह पक चुके हुए हैं। जब हम पाए तैयार करेंगे तो हमारे प्याज जो है बिखरे हुए नजर नहीं आएंगे, वो सारे डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है व्यूअर्स। तो इनकी हमने यहाँ पे 4 से 5 मिनट के लिए भुनाई करनी है, जब तक ये अच्छी तरह भुन नहीं जाता। हमने इसमें मिर्च वाली हड्डी भी ऐड की है, जिससे पायों में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, और जो मिर्च वाली हड्डी है ये हमारे घुटनों के लिए बहुत मुफीद है, इसकी गुदा तो हमें सर्दियों में ये जरूर खानी चाहिए, तो मैंने इसलिए इसमें मिर्च वाली हड्डियाँ भी ऐड की हैं। ये करी आ चुकी हुई है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे ढेर सारा पानी, जिससे हमारा गोश्त गल जाए। हमने इसमें 3 गुना पानी ऐड करना है, ठीक है व्यूअर्स, जिससे ये अच्छी तरह नीचे तक डिप हो जाएंगे। हमने इसमें 3 गुना पानी ऐड किया है और साथ ही हम इसके प्रेशर लगा देंगे। हमने यहाँ पे प्रेशर लगाना है तकरीबन 1/2 घंटे के लिए। आधा घंटा जी व्यूअर्स, 1/2 घंटा हो चुका है। अब हम इसमें ये अपना कुकर खोलते हैं, ये आप देखें, इसमें हम नीचे फ्लेम ऑन करते हैं। आप देख सकते हैं गोश्त हमारा जो है ये देखें अच्छी तरह गल चुका हुआ है। तो हमने मजीद ये करना है कि इसमें लास्ट में हमने ऐड करना है गरम मसाला, जिससे आएगी इसमें बहुत अच्छी खुशबू। तो ये होममेड गरम मसाला है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो लास्ट में हम ये डालेंगे और हमारा जो है पाए बीफ पाए तैयार हो गए हैं।
ये आप इसका कलर देखें और इसकी ग्रेवी की थिकनेस देखें, अमेजिंग और खुशबू तो लाजवाब है। चले व्यूअर्स, आपको सर्व करके दिखाते हैं। अब हम इसमें गार्निश के लिए धनिया ऐड करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दवाओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।